टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और ये बदलाव आपसे हमसे सबसे जुड़े हुए हैं। पहला ये कि केंद्र सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को समेटने की तैयारी कर रही है और दूसरा ये कि जियो और एयरटेल समेत बाकी दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफ की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है। इन्हीं बदलावों के बीच सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली से जुड़ी एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें कोहली BSNL से इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई किंग कोहली ने ऐसी कोई अपील की है? दसूत्र के खास सेगमेंट फेक नहीं फैक्ट में हमने वायरल दावे की पूरी पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में क्या निकलकर आया सामने बता रहे हैं मेरे साथी अतुल द्विवेदी। क्रिकेटर विराट कोहली का BSNL को लेकर एक कथित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विराट के इस कथित बयान को शेयर करने वालों की माने तो विराट ने BSNL से इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की गुजारिश की है और ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आम जनता अपनी सिम को BSNL में पोर्ट कराने लगेगी। जैसा कि सबको पता है, पिछले कुछ समय में जियो, एयरटेल और VI जैसी निजी कंपनियों के टैरिफ में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद कई खबरें ऐसी आईं जिनमें दावा किया गया कि लोगों ने अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर #BSNL में पोर्ट करो और #BSNL की घर वापसी भी खूब चर्चा में रहे और इसी से जोड़कर विराट कोहली के बयान को वायरल किया जा रहा है। विराट का ये बयान एक पोस्टर पर लिखा हुआ है जिस पर विराट की तस्वीर है, साथ लिखा है, विराट कोहली ने कहा, डियर BSNL, आप अपने नेट की स्पीड बढ़ा दो, सिम पोर्ट की स्पीड हमारी जनता खुद बढ़ा देगी। अब विराट के इसी पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई विराट कोहली ने लोगों से BSNL में अपना नंबर पोर्ट करवाने की अपील की है? द सूत्र ने जब फैक्ट चेक किया तो पाया कि विराट कोहली ने BSNL से इस तरह की इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की अपील नहीं की। ये बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। पिछले एक महीने से BSNL का दामन थाम रहे मोबाइल यूजर्स से जुड़ी कई खबरें सुर्खियों में हैं। अगर विराट ने सच में ऐसा कोई बयान दिया होता या कोई पोस्ट किया होता तो यकीनन इसके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं छपी होती, लेकिन द सूत्र को ऐसी कोई रिपोर्ट कहीं नहीं मिली। हमने विराट कोहली के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए, वहां भी हमें ऐसा कोई बयान या फिर कोई पोस्टर नहीं मिला जिसमें विराट ने ऐसी कोई बात कही हो। जाहिर है विराट के नाम का गलत इस्तेमाल करके ये बयान फैलाया जा रहा है। फेक न्यूज बड़ी फैक्ट्री काम करती है, इस फेक न्यूज की, जो आपको हमको भ्रमित करने का काम करती है। हम डिजिटल मीडिया हाउस हैं, हम बाकायदा इन वायरल तथ्यों की जांच करते हैं और आप तक पूरी जानकारी लेकर आते हैं। और एक और जानकारी आपको दे देता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं तो आप पर धारा 195(1)(d) के तहत कार्रवाई हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो फेक न्यूज की फैक्ट्री के सदस्य मत बनिए, फेक न्यूज का प्रचार प्रसार मत कीजिए। फैक्ट चेक जब भी चेक करना हो सीधे द सूत्र पर आइए।